डियर स्टूडेंट्स, उड़ान द फ्लाई में आप लोगों का स्वागत है। मैं डॉक्टर रविशंकर पांडे आज आप लोगों को ये बताऊंगा कि पुनर्जागरण जो है वो इटली में ही सर्वप्रथम क्यों हुआ। बार बार ये सवाल आप लोगों के भी मन में आता होगा और ये एग्ज़ाम की दृष्टि से भी बहुत ही महत्वपूर्ण भी है कि पुनर्जागरण की शुरुआत आखिरकार इटली में ही क्यों हुई। देखिए, इसके कई कारण हैं। धीरे धीरे हम लोग जो है सभी कारणों पे चर्चा करेंगे। जो जो सबसे पहला कारण है वो ये है कि जो इटली की जो भौगोलिक स्थिति है, भौगोलिक स्थिति ऐसी है कि उसी की वजह से सबसे पहले इटली में पुनर्जागरण हो रहा है। इटली क्या है? वो भूमध्य सागर के तट पे स्थित है। तट पे स्थित होने की वजह से क्या है कि व्यापारिक केंद्र है वो। अरब और एशिया से जो व्यापार हो रहा है वो सीधे सीधे सबसे पहले कहाँ पहुँच रहा है? इटली में पहुँच रहा है। तो भौगोलिक स्थिति की वजह से वो अरब और एशिया दोनों से जुड़ा हुआ है और व्यापारिक केंद्र है। तो पहला कारण यह है कि भौगोलिक स्थिति के कारण जो है वहाँ पुनर्जागरण सबसे पहले हो रहा है। दूसरा जो कारण है वो है क्रूसेड्स, धर्म युद्ध। मैं जब पुनर्जागरण के कारणों के बारे में बता रहा था तो सबसे पहला कारण मैं आप लोगों को बताया था धर्म युद्ध, और मैंने ये भी बताया था कि यरूशलम को लेकर के सेल्जूक तुर्कों और ईसाइयों के बीच में कई युद्ध हुए, 11वीं शताब्दी से लेकर के 13वीं शताब्दी के बीच में। तो इन धर्म युद्धों ने बहुत गहरा प्रभाव डाला था। इन धर्म युद्धों की वजह से क्या हुआ? व्यापारी गतिविधियों में बहुत तेजी, अचानक तेजी आई, और युद्ध कैसे व्यापारिक गतिविधियों को बढ़ावा देते हैं इसको समझने के लिए मैं इलाहाबाद या प्रयागराज का ही उदाहरण देना चाहूँगा। आप लोग इससे समझ सकते हैं कि जैसे हम लोग या आप लोग यहाँ पढ़ने आए, ठीक है, एडमिशन लिया और पढ़ाई शुरू हो गई, तो अब इसी के साथ साथ अब आपको रूम की ज़रूरत है। जिसको हॉस्टल मिला है ठीक है, नहीं तो आप डेलीगेसी में रूम तलाशते हैं। रूम ले लिया, रूम रेंट आप दे रहे हैं मकान मालिक को, उनका भी खर्चा निकल रहा है। यदि उनके घर में भी कोई नौकरी नहीं कर रहा है तो आपके पैसे से उनका काम चल रहा है। आपको तख्ता भी चाहिए, कुर्सी भी चाहिए, वो उद्योग भी आप देखे होंगे कटरा में है, ऐसे बड़े पैमाने पे तख्ते बनाए जाते हैं, और चूंकि ये ज़रूरत है हर एक स्टूडेंट्स को। फिर कॉपी चाहिए, कलम चाहिए, किताब चाहिए, सब्जी चाहिए, चाय पीने आप निकलते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि एक पढ़ाई जो आप लोग यहाँ पढ़ने आते हैं, फिर कोचिंग में एडमिशन लेते हैं, कोचिंग संस्थान भी फल फूल रहे हैं, चाय वाले भी खूब चाय बेच रहे हैं, तो ठीक इसी तरीके से युद्ध भी होता है। जब युद्ध होता है तो वो केवल युद्ध नहीं होता है कि बस लड़ाई झगड़ा, उसके लिए घोड़े चाहिए, हथियार चाहिए, बारूद चाहिए, तलवार चाहिए, भाले चाहिए, नाव चाहिए, और साथ ही साथ जो सैनिक लड़ रहे हैं उनके लिए वर्दी चाहिए, मतलब कपड़े चाहिए, यदि गर्मी आ गई तो उसके लिए अलग वस्त्र चाहिए, जाड़े के लिए अलग वस्त्र चाहिए, खाने के लिए सब्जी चाहिए, खाना चाहिए, अन्न चाहिए। तो क्रूसेड्स ने क्या किया कि व्यापारी गतिविधियों में अचानक तेजी ला दी। तो चूंकि इटली की भौगोलिक स्थिति ऐसी है कि वहाँ व्यापारिक गतिविधियाँ सबसे ज़्यादा हो रही हैं, तो इसी वजह से इटली में सबसे ज़्यादा समृद्धि आई। समझिए, सब कड़ी एक दूसरे से जुड़ी हुई है। सबसे ज़्यादा कहाँ समृद्धि आ रही है? इटली में आ रही है।
और अब चूंकि धीरे धीरे मैंने बताया कि 13वीं शताब्दी के उत्तरार्ध से ही चर्च की प्रधानता और सामंतवाद का पतन हो रहा है, इन व्यापारी गतिविधियों ने क्या किया कि इटली में जो है नगरों का उदय होना शुरू हुआ। आप देखेंगे कि अब नए नए और बड़े बड़े नगर वहाँ बन रहे हैं, जैसे वेनिस, मिलान, फ्लोरेंस, नेपल्स, ये सब नगर बन रहे हैं बड़े बड़े। अब इन नगरों में क्या हो रहा है कि यहाँ अधिकतर कौन लोग हैं? व्यापारी वर्ग के लोग हैं, मध्यम वर्ग के लोग हैं। तो इन्हीं नगरों में सबसे पहले क्या हो रहा है, आप पुस्तकालय लाइब्रेरी खुल रही हैं, म्यूजियम खुल रहे हैं, नाट्यशालाएं खुल रही हैं। ये जो है ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसी व्यवस्था नहीं है, संभव ही नहीं है। इन कारणों से क्या हो रहा है कि पुनर्जागरण की चेतना का प्रसार हो रहा है। मैंने बताया कि सारी कड़ी एक दूसरे से जुड़ती जाएंगी, बस आपको समझना है। फिर व्यापारिक जब समृद्धि आती है और जब नए नए ज्ञान विज्ञान से लोग परिचित होते हैं तो मध्यम वर्ग का उदय होता है। ये जो मध्यम वर्ग है ये न तो चर्च की प्रधानता को स्वीकार करता है और ना ही सामंतवाद का जो एक दबदबा है उसको स्वीकार करता है। ये स्वतंत्र है और स्वतंत्र सोच भी रखता है। तो ये सब ऐसे कारण हैं जो कि पुनर्जागरण में, और यही मध्य वर्ग जो है और यही जो व्यापारिक वर्ग है ये नए नए साहित्यकारों को अपने यहाँ प्रश्रय देता है। तो आप देखेंगे कि इटली में महान महान प्रतिभाएं जो हैं वो पैदा हो रही हैं, महाकवि दांते, पेट्रार्क, लियोनार्डो द विंची, माइकल एंजेलो जैसे महान प्रतिभाशाली लोग जो है इटली में पैदा हो रहे हैं, और इन्हीं लोगों ने पुनर्जागरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। एक और कारण है जो हम लोग उस पर विचार कर सकते हैं, वो यह है कि मध्य युग में क्या है, भाषा क्या है, इटालियन लैटिन है। लेकिन जब इटली में समृद्धि आती है और इटली में जो है तमाम साहित्यकारों, विचारकों और विद्वानों का जब जमघट लगता है तो वो लोग जो है इटालियन भाषा में अपने विचारों को व्यक्त करते हैं। तो देखते ही देखते जो इटालियन भाषा है वो लैटिन भाषा के समकक्ष हो जाती है, या उस ये कहिए कि वो उससे ऊपर चली जाती है समृद्धि के मामले में। अब इटालियन भाषा में नए नए साहित्य की रचना हो रही है, नए नए उसमें विचार प्रस्तुत किए जा रहे हैं। तो ये भी एक कारण है कि इटली में पुनर्जागरण सबसे पहले हो रहा है। और एक और कारण है कि जब 1453 में तुर्कों ने कुस्तुनतुनिया पे आक्रमण किया तो कुस्तुनतुनिया के जितने भी विद्वान थे, विचारक थे, साहित्यकार थे, वो भाग करके कहाँ जाते हैं? इटली में। इटली में शरण लेते हैं और इटली के लोगों ने उनको शरण दिया, क्योंकि इटली के लोग क्या हैं, वो समृद्ध भी हैं और वैचारिक रूप से इस समय बहुत ही मजबूत स्थिति में हैं। तो वो अपने यहाँ शरण देते हैं और कुस्तुनतुनिया से भागे हुए विद्वानों ने पुनर्जागरण को एक दिशा प्रदान की, एक तेज गति प्रदान किया। एक और भी कारण है कि जो इटली के निवासी हैं वो अपने को क्या मानते हैं, प्राचीन रोमन साम्राज्य के वंशज अपने को मानते हैं। तो उनको जो है अपने इतिहास पे, अपनी परंपरा पे क्या है, गर्व है। और जब कुस्तुनतुनिया से भागे हुए विद्वान जाते हैं तो उनको उनकी प्राचीन गौरव, प्राचीन समृद्धि की याद दिलाते हैं। तो इससे इटली वासियों में क्या होती है कि एक उत्कट एक लालसा उत्पन्न हो जाती है कि काश वो भी समय आता जब हम लोग जो गौरव हम लोगों का प्राचीन काल में था वो गौरव पुनः प्राप्त हो जाए। तो इससे भी पुनर्जागरण उत्पन्न हो रहा है, पुनर्जागरण को बल मिल रहा है। तो यही सब वो कारण है। और एक और भी कारण है कि इटली जो है यूरोप का एक बहुत ही महत्वपूर्ण देश है, लेकिन वो एक ऐसी जगह पे अवस्थित है कि उसका सीधे सीधे संपर्क जो है पूर्वी देशों से है। तो पूर्वी देशों के से संपर्क का मतलब कि पूर्वी देशों के
आप ज्ञान विज्ञान से भी परिचित हैं। तो ये सब जितने भी मैंने कारण बताए हैं, इन्हीं कारणों से जो है सबसे पहले इटली में पुनर्जागरण हो रहा है। तो मैं आशा करता हूँ कि ये टॉपिक आप लोगों को समझ में आ गया होगा, और आगे के लेक्चर में मैं आप लोगों को पुनर्जागरण काल में साहित्य में क्या प्रगति हो रही है, कला में क्या प्रगति हो रही है और विज्ञान में क्या प्रगति हो रही है, इस पे मैं डिटेल से चर्चा करूँगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग उड़ान द फ्लाई को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और अपने कमेंट भी भेजिए, ताकि हम लोग और बेहतर ढंग से इसको प्रस्तुत कर सकें। बहुत बहुत धन्यवाद।